तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरा गला खराब है, इसके वजह से मुझे समस्या हो रहा है। अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट सही नहीं हुआ है, फिर भी देखिए मुझे यहां पर कुछ लगाया हूं ताकि मुझे सही हो पाए। और आप लोग को जो परेशानी हो रही थी उस परेशानी को देखकर मुझे लगा कि नहीं, एक नया वीडियो बनाना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। मुझे बोलने के लिए भी पूरा अभी कंप्लीट सही नहीं हो पाया, फिर भी मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। तो आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी लोगों को जो प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम का परेशानी दूर हो जाए। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि अगर मान लीजिए फॉर्म आप भर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा रहा है 2018 से 21 सेशन वाले और 2019 से 22 सेशन वाले, उन सभी में फॉर्म को क्या हो रहा है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद उन लोगों को जब पता चल रहा है कि कई फॉर्म में गलत हो चुका है, गलत जैसे कैटेगरी नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस गलत हो चुका है या रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी अगर गलत हो चुका है, तो उसका बिल्कुल 100% आप सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने का मैं इसमें कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूंगा कि कैसे सुधार इसको मैं करना है, और इसमें जो जो आपका गलत होगा और सुधार करने का मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा किस तरीके से फॉर्मेट में आपको सुधार करना होगा, कैसे सुधार करना होगा। साथ में एक परेशानी और ये आ रहा है कि मान लीजिए जिस कॉलेज से आप हैं उस कॉलेज का आप अगर प्रिंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप रिसीविंग निकाल चुके हैं या तो पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट करने के बाद आपका रिसीविंग जो है किसी कारणवश नहीं निकल पाया, ठीक है, तो आप दोबारा से उसको लॉगिन करके कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे रिसीविंग को प्रिंट करेंगे। और कई लोगों का ऐसा सी समस्या आ रहा था कि रेफरेंस नंबर उनको नहीं मिल पा रहा था, तो रेफरेंस नंबर के लिए मैं एक पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जहाँ से आप उस वीडियो को देखकर रेफरेंस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल इस वीडियो में आपको सुधार करने की, जैसे फॉर्म अगर सबमिट हो चुका, पूरा फाइनल सबमिट हो चुका है, तो उस फॉर्म को आप कैसे सुधार कर पाएंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, तो चलिए आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। साथ में इसका जो अंतिम तिथि है, जो जमा करने की जो लास्ट तिथि है, ये आप बढ़ाकर आगे आपको 6 फरवरी तक आपको कर दिया गया है और विलम्ब शुल्क के साथ 7 फरवरी तक कर दिया गया है। चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, साथ में सारा जो मैंने प्रोसेस अभी तक बताया वो प्रोसेस करके शो कर देता हूँ। साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, मन में किसी भी तरह का अगर सवाल आएगा तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा और सभी फ्रेंड को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। कॉलेज औरंगाबाद बिहार का वेबसाइट ओपन किया हूँ और ओपन करने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से ऑनलाइन होता है सभी फॉर्म वगैरह, तो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल वाला सेक्शन पर आएंगे। जो अभी जो फॉर्म भरा रहा है, जो 18 से 21 सेशन वाले, 19 से 22 सेशन वाले, उन सभी में अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर गलती हुआ तो उसका मैं पहले प्रोसेस दिखा दूंगा। तो उससे पहले मैं यहाँ को आपको दिखाऊंगा पहले कि जो अभी डेट में बदलाव हुआ है, जो फॉर्म भराने का डेट में बदलाव हुआ है उसको मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये जारी किया गया है जो मैं लिया हूँ यहाँ पर रामलखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद बिहार के लिए, जो यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर पूरी तरह से रीड कर सकते, लिखा है स्नातक द्वितीय तृतीय कला या विज्ञान जो 20 से 21, और यहाँ पर जो सेशन दिखाया गया है इसके बाद यहाँ पर दिनांक 27/1/2023 के अनुसार, यानी आज के अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय खंड की परीक्षा 21 परीक्षा वाले प्रपत्र भरने की तिथि विस्तारित की गई है, यानी कि जो बढ़ा दिया गया है। अभी इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि फॉर्म है जो फॉर्म बहुत कम स्कूल में मिल पाया है, तो कई लोगों का फॉर्म में मिलने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6/2/2023 तक इसका डेट बढ़ाकर कर दिया गया है, जो विलम्ब शुल्क से 7/2/2023 से लेकर 10/2/2023 तक निर्धारित किया गया है, जो इनका मतलब ये वाला डेट खत्म हो जाता है इस डेट में कर सकते हैं, लेकिन इसमें चार्ज आपको लगेगा विलम्ब शुल्क। इसके बाद यहाँ पर जो पोर्टल दिखाया, इस पोर्टल से अप्लाई होता है, जो यहाँ पर पैसा कितना लगता है यहाँ पर दिखाया गया है सभी कैटेगरी के लिए, साथ में जो जो डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ लिखा गया महाविद्यालय में अभी परीक्षा प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, जो यहाँ पर अभी परीक्षा फॉर्म उपलब्ध नहीं है, इसके वजह से डेट बढ़ा गया है। जो ये डेट इस कॉलेज के लिए अभी अवेलेबल है, हो सकता है सभी कॉलेज के लिए डेट बढ़ाया गया हो, तो मैं इसके बारे में पूरा तो नहीं बता सकता हूँ सभी कॉलेज के बारे में, लेकिन यहाँ इस कॉलेज का डेट बढ़ाया गया है, उम्मीदता लगता है कि मतलब सभी कॉलेज का डेट बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको फिलहाल इसके अलावा और मैं जो जानकारी देता हूँ, तो मैं इस वाले वेबसाइट पर आ गया हूँ। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है, तो सबमिट हो जाने के बाद क्या होता है कई लोगों का प्रिंट नहीं निकल पाता, तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर रीप्रिंट का सेक्शन है, यहाँ पर आना होगा।
चलिए मैं एक कॉलेज का ओपन कर लेता हूँ जो यहाँ पर सरगाटी कॉलेज का ये है, और इस वाले पोर्टल में आने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन लिखा गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद मैं दिखाऊंगा ये जो सरगाटी कॉलेज का जो पोर्टल है और ये औरंगाबाद बिहार वाला RLSY कॉलेज का पोर्टल जो है, सभी पोर्टल अगर इस तरीका से है जो ये जो फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है, केवल नाम चेंज है स्कूल का, ठीक है। अगर फॉर्मेट सभी का सेम है, इस तरीका के है, तो सभी का प्रिंट यहीं से होगा, यहाँ पर से। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म रिसिप्ट लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स, यहाँ पर पहले आपको डिटेल डालना है, यानी रेफरेंस नंबर, यहाँ पर कॉलेज का कोर्स चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर चूज करने के बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, पार्ट वन है या पार्ट टू है, इस तरह से अनुसार अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अब किस कैटेगरी के अंतर्गत है, रेगुलर या एक्स रेगुलर। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस कॉलेज का दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे इसी कॉलेज का एक रेफरेंस नंबर है, उसी रेफरेंस नंबर से आप सभी को प्रिंट करके मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर सभी कोर्स में चूज मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर चुका हूँ, यहाँ पर सर्च वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका यहाँ पर प्रिंट होने के लिए इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ आपको सुधार करने का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सुधार करने का जो प्रोसेस होगा, सुधार करने का प्रोसेस आपको मैं एक ही भाषा में आप सभी को बता देता हूँ। ये वाला पोर्टल का जितने भी स्टूडेंट होंगे, जिस कॉलेज का ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भराता है और इस तरह से पोर्टल है, केवल कॉलेज का नाम चेंज है, तो सभी कॉलेज का इसी तरह से सुधार हुआ जिस तरह से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो तीन नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दिया गया है सभी नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करके सुधार करा सकते हैं। कॉल करने के बाद या आप क्या करेंगे, इन नंबर को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आपको क्या करना, जो गलत है उसको आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे मेरा नाम गलत है तो नाम लिख देंगे, रेफरेंस नंबर लिखेंगे, और जो मेरा रिसीविंग है उस रिसीविंग को मैंने अभी प्रिंट करके दिखाया, इस तरह से प्रिंट करेंगे। और प्रिंट करने के बाद उस रिसीविंग को भेजेंगे, साथ में जो गलत है उसको भेजेंगे, और रेफरेंस नंबर जो होगा उसको भेजेंगे। आपका 100% सुधार हो जाएगा। टाइम लगता है थोड़ा, आपको हो सकता है 8 से 9 घंटा भी टाइम लग जाए, या तो 1 से 2 घंटा भी, या तो तुरंत भी करके मिल जाए, ये भी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो सभी लोग का गलत होता है, तो सभी लोग को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है, इसलिए वेट कर लेंगे, क्योंकि आपका सुधार 100% यहाँ से हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ लास्ट प्रोसेस, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। आपको अगर बोलता है कॉलेज वाले, कैफे वाले कि हम सुधार कर देंगे, और आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस तरह से चेक कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए कहता है सुधार करना, तो ठीक है, सुधार हो जाए तो अच्छा बात है, लेकिन हाँ, अगर सुधार करके अगर एडिट करके देता है, तो यहाँ से आप चेक करके एक बार देख लीजिएगा प्रिंट करके कि आपका सही से सुधार हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो यही तो अपडेट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। रेफरेंस नंबर का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। डेट बढ़ा दिया गया है, तो आप अपने अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि डेट कब तक बढ़ाया गया है। तो यही थी अपडेट। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।